Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Jaya. Happy birthday to you. वहीं रुक जाओ, इतनी लेट कैसे? आधा घंटे तो लेट हुआ है। पता है ना, 7 बजे के बाद यहाँ एंट्री बंद है। अरे तो क्या अब हम सड़क पे जाके सोएं? सड़क पे सो या कहीं सो, जब पता है इस बस हॉस्टल में लेट आना और नशा करके आना दोनों मना है। नशे की हालत में आपको हॉस्टल के अंदर नहीं जाने दूंगी। दीप्ति रुको, रुको दीप्ति। तुम जानती नहीं हम कौन हैं? कोई भी हो, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकती। नमस्ते मैम, थैंक यू। New admission? हाँ मैम। जाने दो मुझे। आज के बाद लेट मत आना। Thanks आंटी। Good night आंटी। Good night. कल रात यही थी। न्यू एडमिशन है ना? हाँ। दीप्ति, कंट्रोल योरसेल्फ। उधर क्या देख रही हो? रात में यही आंटी थी ना जिन्होंने हमें वॉचमैन से अंदर छुड़वाया था। लगता है आंटी को अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। तुम्हारी इस अवस्था का गुनहगार सिर्फ मैं ही। कुछ गलतियों का एहसास काफी वक्त के बाद होते हैं।
तुम खुद को दोषी क्यों मानते हो? मैं ही शायद अपने कर्तव्य में कम थी। सामने वाली गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां तो हर साल आती हैं दिखती, तुम इनको लेकर इतना पॉसेसिव क्यों? पता नहीं क्यों, शायद जिया के बर्थडे के दिन वो यहाँ आई, इसीलिए उनके बारे में अजीब अपनापन सा महसूस हो रहा है। आंटी, are you fine? इन्हें क्या हुआ? आंटी, पानी, पानी। आंटी, 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 उठिए। अब तुम ठीक हो? थैंक्स। निशा, मेरा नाम निशा है और थैंक्स से कोई बात नहीं है, आंटी इज लाइक माय मॉम। लेकिन एकदम से आंटी को ये सब, हम दोनों कॉलेज के बाद एक हो गए, हमारी लाइफ मानो साथ में आसमान पर थी। सिगरेट स्मोकिंग हमारे स्टेटस का हिस्सा था और इसी वजह से मैं एक चेन स्मोकर बन गया। उस दौरान दीप्ति के प्रेग्नेंट होने के कारण हम काफी खुश थे, लेकिन मेरी सिगरेट की लत की वजह से दीप्ति और पेट में पल रहे बच्चे पर पैसिव स्मोकिंग का बुरा असर हुआ। हमें बच्ची पैदा हुई जया, जिसे बचाने के लिए डॉक्टर्स ने अपने सब तजुर्बे दांव पर लगाकर उसे बचाया, बस वो चलने में असमर्थ थी। उसी दौरान स्मोकिंग ने मेरा प्रोस्टेट डैमेज कर दिया और मुझे सर्जरी करानी पड़ी, जिसके बाद मैं बाप बनने के लिए अनफिट हो गया। सॉरी अंकल, मुझे आपको ये सब याद दिलाने की कोई इच्छा नहीं थी।
जया, जया कहाँ है? कॉलेज में होगी ना अभी तो? उठो, मीटिंग के लिए लेट हो जाएगा। सात बज गए। गुड मॉर्निंग बच्चा। आज काम वाली नहीं आना, मैं चाय बना कर लेती हूँ। मेहरबानी। ये मीट हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आई डोंट वांट एनी मिस्टेक। यस। गलती मेरी ही थी, जो एक बार ठोकर खाकर भी मां की लत नहीं छुड़ा सका, और जिसकी वजह से ऐसा जख्म मिला जो किसी को ना मिले। अपने ही बच्चे का गुनहगार बन के जी रहा हूं। एक ऐसी चीज है जो काफी नुकसान कराने के बाद ही उसका पश्चाताप होता है।